देखिए, तो ये क्लास 12th का जो है अगला लेक्चर है यूपी बोर्ड वालों का, ठीक ना। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास दो समान परिमाण के, समान परिमाण का मतलब ये हुआ एक क्यू है तो एक माइनस क्यू हो गया, एक टू क्यू है तो एक माइनस का टू क्यू हो गया, ठीक है। तो जब दो समान परिमाण के आवेशों को किसी एक बहुत ही अल्पतम दूरी का मतलब बहुत ही स्मॉलर डिस्टेंस, जब क्या किया जाता है इनको जो है सेपरेट किया जाता है, रखा जाता है किसी एक छोटी सी दूरी पे, तो इनसे जो अरेंजमेंट बन के तैयार होता है ना, जो निकाय बन के तैयार होता है, जो सिस्टम बन के तैयार होता है, उस निकाय को, उस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? तो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉलर डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको हम जरा बना लें। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और ये एक माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। अगर ये दो हमारे चार्ज हो गए, आवेश हो गए, इनको एक छोटी सी दूरी को जो है हम क्या मान लें, तो छोटी सी दूरी को हम यहाँ पे मान रहे हैं 2a। क्यों हम यहाँ पे एक्स वाई जेड नहीं माने हैं, क्यों 2a माने हैं? तो इसका बहुत फायदा होने वाला है, अभी हम देखेंगे उसको, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं, ये जो सिस्टम बन गया ना, इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं क्या? विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव से जो है एक नई क्वांटिटी निकल के आती है, नई फिजिकल क्वांटिटी निकल के आती है, डायपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी कहा जाता है। तो ये क्या होता है? तो इनमें से किसी एक आवेश का परिमाण ले लें। परिमाण का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि प्लस क्यू हुआ चाहे माइनस क्यू हुआ, तो उसका परिमाण तो क्यू ही होगा, ठीक है। तो किसी एक, हमने क्या ले लिया, किसी एक आवेश को और उनके जो बीच की दूरी है, इन दोनों का जो गुणनफल होता है, उसी को हम लोग कहते हैं डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण। यानी कि इसके लिए अगर हमको डाइपोल मोमेंट लिखना होगा ना, तो लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या, किसी एक आवेश का परिमाण तो क्यू, इनके बीच की दूरी क्या हो गई, टू ए, ठीक है। और इसको हम लोग दिखाते हैं पी से, किसे दिखाते हैं, पी से, कैपिटल पी लिख दिया, ठीक है। तो पी बराबर क्या, क्यू इंटू टू ए। तो ये होता है हमारा द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। अब जो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण होता है ना, ये एक प्रकार की सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो इसके ऊपर हमें वेक्टर भी लगाना पड़ेगा, तो इसका डायरेक्शन चाहिए हमको। तो इसका डायरेक्शन होता है हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो ध्यान रखना है हमेशा निगेटिव से किधर, पॉजिटिव की ओर। यानी ये हमने अगर इसमें डायरेक्शन बनाना चाहे तो आसानी से बना सकते हैं। ये हो गया हमारे पी का डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन हो गया, पी का द्विध्रुव आघूर्ण का, ये हो गया डायरेक्शन, पी का डायरेक्शन हो गया हमारा माइनस से प्लस की ओर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखिए, अब इसके लिए हमें इसकी, तो अब इसके मात्रक को हम लोग जो है देख लेते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? मात्रक इतना होता, कुछ नहीं करना है हमको, क्यू का मात्रक और इस ए का मात्रक, क्योंकि टू तो नंबर है, ठीक ना। तो हमारा जो पी का मात्रक होता है ना, पी का मात्रक यानी द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है, वो हम क्या लिखते हैं, क्यू का मात्रक लिखते हैं। क्यू का मात्रक क्या होता है बताइए, कूलाम, क्या होता है, कूलाम। और ये जो ए है, ये डिस्टेंस है, दूरी है, तो कूलाम इंटू मीटर। तो इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम इंटू मीटर। तो हम लोग ऐसे भी लिखते हैं सी एम, ठीक है, कूलाम इंटू मीटर, ठीक है। तो ये हमारा पी का मात्रक होता है। अब देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये जानना जरूरी होता है कि आखिर हम ये क्यों टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए हमें जो है अच्छे अच्छे कैलकुलेशंस करने हैं, मतलब डेरिवेशंस करने हैं। डेरिवेशंस में ये बहुत काम आने वाला है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि डेरिवेशन करेंगे, देखेंगे हम लोग जो है कि अगर हमारे पास कोई द्विध्रुव आघूर्ण, अगर P है कोई, ठीक है, कोई मतलब कोई हमारे पास ये वैद्युत द्विध्रुव है, तो इसके कारण किसी बिंदु पर अगर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो हम लोग प्लस क्यू का कारण, माइनस क्यू के कारण किसी भी बिंदु पर जब हमको जो है वैद्युत क्षेत्र लिखना होता था तो हम आसानी से लिख देते थे, ठीक है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे दो हमारे पास चार्जेज हैं, प्लस क्यू भी है माइनस क्यू भी है। अब दोनों की वजह से किसी बिंदु पर जो है क्या होगा, हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा। तो दोनों की वजह से हम कैसे लिखेंगे, ठीक ना। तो इसके लिए हमें जो है, इसके लिए दो केसेस देखना है। एक केसेस देखना है कि जिसमें जो है वो उसके अक्ष पे होगा, और एक केस देखना हो हमें जो है जिसमें जो है उसके जो है वो निरक्षीय पोजिशन पे होगा, यानी कि निरक्षीय स्थिति में। तो पहले हम लोग देखते हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या होता है वैद्युत क्षेत्र उसके अक्षीय स्थिति में, ठीक है। तो हम जो है उसके बाद से बात करेंगे निरक्षीय स्थिति की। तो देखिए,
तो अब हम क्या करते हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण जो है किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है उसकी तीव्रता के लिए व्यंजक निकालेंगे, ठीक ना, फार्मूला निकालेंगे। अच्छा ये बताइए कि इसके पहले जो हम लोग जो लेक्चर पढ़े थे कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो वो आपको पता है, ठीक ना। ये क्या होता है, अगर हमारे पास कोई क्यू आवेश है तो उसके कारण क्या होता है वैद्युत क्षेत्र, बताइए, इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक ना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक ना। आर वहाँ पे क्या होता था, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को मतलब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं दूरी का स्क्वायर लिख दे रहे हैं, ठीक है, दूरी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए अक्षीय स्थिति में करा, अक्षीय का मतलब होता है कि ये जो हमारा डाइपोल है ना, ये डाइपोल देखिए इनको मिलाने वाली ये रेखा है, इसके किसी अक्ष पे इधर भी हो सकता है कोई बिंदु, देखिए इधर भी हो सकता है, ठीक है, इधर भी कोई बिंदु हो सकता है जहां हमसे पूछ सकता है, या फिर इधर भी कहीं हो सकता है, यानी कि इसके अक्ष पे आना चाहिए, ठीक ना। तो अक्षीय स्थिति में हम बात कर लें कि क्या होता है हमारा जो है वैद्युत क्षेत्र, तो हमने मान लिया यहाँ पे कोई पॉइंट पी है। अब बताइए, अच्छा एक हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे कि हमारे पास तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पढ़े थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो क्या होती है, दूर, बताइए, यानी कि इससे निकलती हैं, और जो निगेटिव चार्ज होता है इसकी ओर आती है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट पी पे बताइए अगर प्लस क्यू के कारण हमको देखना हो कि पॉइंट पी पे विद्युत क्षेत्र किधर होगा, तो किधर होगा, किधर क्यों होगा, कि उधर क्यों होगा, बताइए, अरे राइट साइड में होगा, हमेशा इससे दूर होता है, तो प्लस क्यू के कारण यानी पी पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगा, ई ड्यू टू प्लस क्यू, ठीक है, मतलब इस साइड होगा, इस साइड, ठीक है। अच्छा अगर माइनस क्यू की वजह से देखा जाए तो माइनस क्यू की वजह से देखा जाए तो इसकी ओर, देखिए माइनस क्यू की ओर होता है और प्लस क्यू से दूर होता है, तो यानी कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इधर होगा, ठीक है, ये हो गया हमारा इधर की ओर, तो ये हो गया ई आर ड्यू टू क्या, माइनस क्यू, ठीक है। अब देखिए ये जो है अगर इसका मिड पॉइंट मान लीजिए, ये मिड पॉइंट है अगर ओ, तो टोटल जो डिस्टेंस हमारा होता है वो कितना होता है, तो ये टोटल डिस्टेंस होता है हमारा 2a, पढ़ चुके हैं पीछे, इसका फायदा होने वाला है, हम लोग x नहीं माने हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस x इसलिए नहीं माना गया है क्योंकि कैलकुलेशन में जो है हमको प्रॉब्लम होती, फिर क्योंकि मिड पॉइंट लेते तो x/2 फिर उसका स्क्वायर करते, तो वो बहुत ज़्यादा जो है थोड़ा कैलकुलेशन में जो है प्रॉब्लम होती है, इसीलिए जो है जो हमारे पढ़े मतलब पहले जो लोग थे वो इसको 2a मान लिए ताकि अगर हम मिड पॉइंट ले तो आधा आधा हो जाए, यानी ये वाली डिस्टेंस जो है ये हो गई हमारी a मिड पॉइंट से और ये वाली भी डिस्टेंस कितनी हो गई ए, ठीक है। अच्छा ये जो इसका मिड पॉइंट ना है, यहाँ से इस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस हमने मान लिया वो मान लिया स्मॉल आर, क्या मान लिया, स्मॉल आर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि एक बार प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, एक बार माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, और दोनों का जब हम वेक्टर सम लेंगे, सदिश योग लेंगे ना, तो हमको मिल जाएगा द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, यानी कि पॉइंट पी पे जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ठीक है। तो हमें जो है इससे जो है यहाँ पे लिखने के लिए चाहिए क्या, इससे यहाँ पे लिखने चले हमको चाहिए डिस्टेंस, ठीक है, बताइए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये ए है, तो अगर इसमें ये ए जोड़ दिया जाए, सॉरी ये आर है यहाँ से यहाँ तक मिड पॉइंट से, और यदि इसमें ए जोड़ दिया जाए तो इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे जो है हम लिख सकते हैं आसानी से, तो बताइए प्लस क्यू से पॉइंट पी का जो डिस्टेंस देखना हो तो हम लिख सकते हैं क्या, ये है हमारा आर प्लस ए, ठीक है। सिमिलरली माइनस क्यू की वजह से तो ये पूरा का पूरा आर, और यहां तक ये कितना है ए, तो अगर हम आर में से ये ए घटा दे तो ये वाला डिस्टेंस पता चल जाएगा, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है आर माइनस ए, ठीक है। तो अब हम प्लस क्यू की वजह से भी यहां पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस क्यू की वजह से भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो लिख दिया जाए प्लस क्यू की वजह से, तो ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू प्लस क्यू, क्या हो जाएगा के क्यू बाई, यहां तो देखिए प्लस क्यू का, प्लस क्यू के कारण यहां पे विद्युत क्षेत्र लिखना है, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, बताइए ई ड्यू टू प्लस क्यू इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई दूरी का स्क्वायर, दूरी क्या हो जाएगा, तो प्लस क्यू से आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा सिमिलरली माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र, ये वाला लिखना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा E ड्यू टू माइनस क्यू इक्वल टू के क्यू बाई, अच्छा यहाँ पे माइनस क्यू नहीं लिखेंगे, माइनस क्यू क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि माइनस क्यू तो हमको बस ये बताता है कि इसकी ओर होगा विद्युत क्षेत्र, ठीक ना, और प्लस क्यू बताता है कि इससे दूर होगा, तो यहाँ पे भूल के भी माइनस क्यू नहीं लिखेंगे, डिवाइडेड बाई दूरी का स्क्वायर, तो दूरी का स्क्वायर का मतलब क्या, यहाँ से माइनस क्यू से दूरी कितनी है, तो आर माइनस ए,
तो ये लिख दिया हमने r माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हमने रिलेशन नंबर सेकंड मान लिया। अब हमको बिंदु P पर जो है वो हमको परिणामी विद्युत क्षेत्र चाहिए। बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो इसके लिए देखिए इसमें बड़ा कौन है, देखिए बड़ा क्यों कौन है, कैसे चेक करेंगे। देखिए ये जो ऊपर वाला दिख रहा है ना, ठीक है, अंश, वो दोनों में समान है। अब इसमें देखिए हर क्या हो गया, बड़ा, तो जिसका हर बड़ा तो वो क्वांटिटी निकल के आएगी छोटी, यानी कि यहाँ पे हमारा E ड्यू टू माइनस क्यू जो है ये बड़ा है E ड्यू टू प्लस क्यू से, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे E ड्यू टू माइनस क्यू की जो वैल्यू होगी वो E ड्यू टू प्लस क्यू से क्या होगी, बड़ी होगी। क्यों बड़ी होगी आपने देख लिया, क्योंकि ये जो है हमारा जो है बड़ा है तो ये क्वांटिटी निकल के छोटी आएगी, और ये छोटी है तो ये क्वांटिटी निकल के बड़ी आएगी। तो हम बहुत सिंपली लिख सकते हैं, क्या बताइए, E एट पॉइंट P इक्वल टू E ड्यू टू माइनस क्यू और माइनस का E ड्यू टू प्लस क्यू। क्यों माइनस लगाया, देखिए एक का जो है एक की वजह से, तो हम यहाँ पे जो है आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, बस सॉल्व कर लेना है। अब कैसे सॉल्व कर लेना, देखिए E ड्यू टू माइनस क्यू की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है K Q बाई R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस K Q बाई R प्लस A का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे K Q जो है दोनों में से कॉमन ले लेना है, इसको हम जो है अरेंज कर देते हैं, ठीक है, इसको अब इसकी जरूरत कोई नहीं है, ठीक है। तो बाद में जो है देखिए, अब देखिए अब यहाँ पे के क्यू कॉमन ले लिया जाए, ई एट पॉइंट पी लिखना है, के क्यू हमने कॉमन ले लिया, तो 1 बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस का 1 बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए नीचे वाला तो एलसीएम हो गया, आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर, देखिए बाहर तो हमारा एलसीएम ये हो गया आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसमें से क्या कॉमन ले लिया हमने, बाहर ही के क्यू पहले से ही है। अब देखिए आर माइनस ए का होल स्क्वायर से आर माइनस ए का होल स्क्वायर क्या है, तो ये बच गया हमारा आर प्लस ए का होल स्क्वायर और यहाँ माइनस का आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए के क्यू, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा गया है, ठीक ना, तो इसको लिख सकते हैं क्या बताइए। अच्छा एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, आर प्लस ए का होल स्क्वायर और माइनस का आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अच्छा डिवाइडेड बाई ये देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग आर माइनस ए और आर प्लस ए पूरे का होल स्क्वायर, ठीक ना, आर माइनस ए और आर प्लस ए पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। के क्यू अब इसको देखिए एक ब्रैकेट में जोड़ दीजिए एक में घटा दिया जाए, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है तो क्या हो जाएगा आर प्लस ए प्लस आर माइनस ए, और ये हो जाएगा आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग ई देख रहे हैं पॉइंट पी पे, ई एच पॉइंट पी, ई एच पॉइंट पी, ई एच पॉइंट पी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा E एट पॉइंट P इक्वल टू, इसमें से क्या कट जाएगा A से A कट गया और इसमें R से R कट गया, तो ये देखिए क्या हो गया, ये हो गया K Q R और R मिला के 2R, ठीक ना, और ये मिला के 2A और डिवाइडेड बाई यहाँ पे देखिए A बहुत छोटा होता है, ठीक ना, विद कंपेयर टू द R, A आपको बताया था बहुत ही अल्पतम दूरी होती है, तो A का स्क्वायर और छोटा, ठीक है, उसका स्क्वायर और छोटा होगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो नीचे बन जाएगा आर का पावर फोर, क्योंकि आर स्क्वायर का स्क्वायर है, एक आर से यहाँ से एक आर को जो है क्या कर देंगे कट कर देंगे, तो पावर कितना बन जाएगा थ्री। तो ये आ गया ई एट पॉइंट पी इक्वल टू के, अच्छा ये बताइए क्यू इंटू टू ए को पी लिख सकते हो, देखो क्यू इंटू टू ए को पी लिख सकते हो, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, तो ये हो गया के पी, अच्छा ये एक टू बच रहा है तो इसको हमने आगे लिख दिया डिवाइडेड बाई आर क्यू, तो E at point P equal to 2 KP by RQ, इसी को लिख सकते हो क्या बताइए 1 by 4 pi epsilon naught और क्या 2 P by RQ, ये हमारी K की वैल्यू है 1 by 4 pi epsilon, ठीक है। तो इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र किसी द्विध्रुव के कारण, ठीक है। वीडियो को पॉज करके जो है आप लोग इसका जो है नोट्स बनाते जाएंगे, ठीक है, बाकी की बातें जो हम लोग अगली वाले वीडियो में करेंगे।